है भाई मेन मनाली चौक। आ चुके हैं मनाली की हसीन वादियों में। तो भाई ये हमारा शिशु है जो आपको ये दिख रहा है भरे। देखो भाई अभी तक खा रहा है भाई। हो नहीं गया आपका? नहीं मैं नहीं उठाया भाई खाना, आपने 6 बजे लिया तो सुबह खा रहा हूं। वो हमारा इकलौता और आखिरी पेट्रोल पंप परने को ओढ़ के आपको क्या मिल रहा है? हमारे भाई बहुत मजा आ रहा है यार, हर कुछ ऑसम व्यू है यहाँ का। तो यार गाइस हम दोनों निकल चुके हैं घूमने और ठंड के मारे मारे ना, मतलब कि गुड मॉर्निंग, हेलो, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गोल्ड ऑफिशियल ट्रैवल यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह में हो गई है तो मैं फिर से आया हूँ गाड़ी के पास। तो अभी जो कि मैंने शाम को बताया था कि हमने जाना है लॉन्स भी थी, तो भाई यहाँ से करीबन 100-150-200 किलोमीटर है कम से कम जाना। तो अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, 5 मिनट इसको स्टार्ट रखूँगा सुबह। तो आजकल ऐसा की गर्मी है तो शीशा वगैरह जो है साफ़ ही रहता है, और गाड़ी की सफाई मैंने शाम को ही कर ली थी अंधेरे में ही, तो बाहर से भी गाड़ी साफ है बिल्कुल। अभी बताता हूँ आपको मैं क्या मटेरियल लोड है। तो गाइस स्टार्ट, और इसमें है 60 mm के पेवर्स लोड। तो गाइस ये जो पेवर्स लोड है ये है ग्राम पंचायत अपना, कुछ नाम था यार गुशाल, ग्राम पंचायत गुशाल का माल है ये, सरकारी मटेरियल है। तो निकलते हैं अभी घर से, तो फिर मिलते हैं सीधे। अभी अमन भाई को पिक करना है और 2 बंदों को मनाली से भी डालना है, तो बाय बाय, मिलते हैं अमन भाई के पास। तो अभी हम 4 लाइन में पहुंच चुके हैं गाइस। तो अभी चला हूँ मजे मजे, सुबह सुबह उतनी गाड़ी नहीं है, तो सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूँ भुंतर। तो भाई भुंतर एयरपोर्ट के सामने हम अभी बिल्कुल गचवाड़ स्टाइल से, रोड एकदम खाली खाली और मज़ा आ रहा भाई गच करके। भी अमन भाई को मैंने बुलाया है कुल्लू से इधर वाली साइड, क्योंकि अमन भाई कुल्लू में रहते, तो मैं जा रहा हूँ बाईपास, तो अमन भाई को पिक करेंगे फिर निकलेंगे सीधा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कुल्लू, तो हमारे अमन भैया आ रहे हैं, अगर आपको ढंग से दिख रहा हो तो। यस, तो भाई कुल्लू में सुबह सुबह यार बिल्कुल पैकअप है सब कुछ, रोड भी पैक है, सारे बंदे पैक है इस टाइम। तो भाई सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू कुल्लू का देख लो भाई। गाइस हमारा प्यारा 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 कुल्लू, तो ऊपर वाले रोड से ना थोड़ा अच्छा व्यू दिखता है, तो मैं ऊपर से गया नहीं तो यहीं से बता रहा हूँ। तो नदी चली है बढ़िया नीली नीली। तो हमारे वड़का जी आ गए हैं। मैं देखो गाइस, तो हमारे अमन भाई भर रहे हैं पानी, तो अभी हम आपको नेचर व्यू से मिलाएंगे। वादियों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नहीं है, ये भाई मेन मनाली चौक। तो हम पहुंच चुके हैं, यहाँ साइड में रुके हैं और अमन भाई कुछ फ्रूट्स लाने गए हैं, फ्रूट से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ढाबे ढूबे मिल नहीं रहे, तो मैंने बोला क्या ऑयली ऑयली खाना यार, तो फ्रूट ले लेते गच बड़े कोई फ्रूट्स खाएंगे तो लेके फ्रूट मिलते। तो बाद में तो एक बंदा आ रहा है यहाँ पर हमारे साथ मिस्त्री, तो उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो रुकना पड़ेगा यहाँ थोड़ी देर, पता नहीं कितना लेट करेगा, तो देखते हो कब आता है। ये भाई मनाली मेन चौक, विलो को लगा दिया साइड, बंदा आ जाएगा अभी गचवाड़ा। तो अमन भाई ले रहे हैं फ्रूट। गाइस टायर तो मेरे बहुत गंजे हैं, तो ख़त्म हो गए बिल्कुल ही, तो मेरे लाला जी मुझे टायर नहीं दे रहे, पीछे वाले टायर धोने हैं। तो गाड़ी तो मैंने रात को ही साफ़ कर लिया ना, इसकी थोड़ी लीकेज वगैरह की चेकिंग भी हो गई है, तो अभी इसको यहाँ रेस्ट, चलो रेस्ट मिल रहा है। तो बंदा पता नहीं कब आएगा यार, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है।
चलो तब तक हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बारिश लगने वाली है। सोते मजनू देखो गाइस, बहुत ही ज्यादा चिपका हुआ है बंदी के साथ। आराम से सोते इसकी बातें, ठीक है? वो चल गए। देखो देखो बंदी से करते प्यार से बात। और सेक्सी लौंडो चला रहे हो गाड़ी तो भाई यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हुए, मतलब क्राउड है सुबह सुबह। अच्छा सारे ड्राइवर भाई खड़े हैं यहाँ पर, बच्चे बड़े सारे से देख सकते हैं आप, रोटी रंग बना रहे हैं बंदी पावर। यस रोहतांग टनल 17 किलोमीटर। और हमारे उस्ताद जी चले हुए हैं कभी पावर खेड़े खेड़े, तो भाई ये भाई सुंदर बड़ी देख लो सुबह का टाइम है, लेकिन टूरिस्ट इतने आए नहीं है। तो गाइस हम आ चुके हैं मनाली की हसीन वादियों में। तो थोड़ा ब्लर इफेक्ट है तुम्हारे भाई ने, वहां मतलब अच्छी वाला कोई सीन नहीं है। अरे पीछे व्यू बहुत काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो व्यू की वीडियो भी बनाते हैं अभी। तो मज़ा आ रहा है सफ़र करने का, आज थोड़ा धूप नहीं है ना इसलिए थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा बताने का आपको, अगर धूप होती ना अच्छे से तो बहुत मज़ा आता। तो चलो अभी व्यू बताते हैं फिर देखते हैं। अभी हम टनल के वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो काफ़ी इंजॉय किया हमने रास्ते में। तो अभी हमारे साथ एक चाचा है, उनको हमने पीछे बिठाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। तो अभी टनल के बाहर बस पहुँचने वाले हैं, 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो टनल का व्यू भी आपको बताएंगे गछवाड़ा, तो जो जो आया उनको तो पता होगा कैसा व्यू होता टनल का, जो नहीं आया भाई वो इंजॉय करना। पहुँच गया पर यहाँ पर जाम लगा हुआ पूरी तरह से। हाँ देख लो भाई मर गई और रुकना पड़ेगा बहुत देर। पहली बार आया है टनल के अंदर, तो इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, जानबूझ के बनने का बढ़ रहे बड़ा वो और आए पहली बार। तो देख लो गाइस ऐसा है अपना टनल। तो कैसे वाली वीडियो बन रहा हूँ इस बार होता है
क्या क्या बात कर रहे हो आप? अमन भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पहली बार आया अमन भाई। गाइस टनल के बाहर फुल पावर व्यू गच वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ से तांदी पुल थोड़ा सा रहा, तो बीच बीच में जो जो पॉइंट आया करेंगे मैं बताया करूँगा आपको। बहुत मज़ा आया यहाँ तक आने का। तो ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करने के लिए रुका हूँ यहाँ पर, ब्लॉगिंग तो मैं गाड़ी चलते चलते भी कर सकता हूँ, गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है क्योंकि इतना चढ़ाई चढ़ के और दूसरे गियर में आई गाड़ी, तो रेस्ट देना जरूरी बनता है, इसलिए रुका हूँ मैं यहाँ। तो हमारे हीरो भी आ गए हैं और गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं हम गचवाड़ा। और भाई ब्यूटी तो आपको पता है यहाँ की गच वाली, बाबा फुल पावर। दोस्तों हम निकल चुके हैं अटल टनल से बाहर से। क्यों भाई? तो यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है गच वाली। तो अब तांदी यहाँ से पता नहीं 30-35 किलोमीटर शायद, तो पहले हम सिसु भी बताएंगे आपको, फिर तांदी बताएंगे। तो कहाँ पर जैसे हमने जाना है उतना नॉलेज हमारे को है नहीं, अभी फ़ोन वगैरह करेंगे जिनका मटेरियल है। तो ब्यूटी भाई ब्यूटी 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 ही ब्यूटी है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है यहाँ गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा। आहा देख लो सिसु फुल व्यू। तो भाई ये हमारा सिसु है जो आपको ये दिख रहा है पर, भाई क्या मजा है यार। अभी बस जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं, तो हमें जस्ट लगता है शायद ऊपर वाली साइड पे जाना पड़ेगा हमारे को। तो हम आए घुशाल पंचायत का माल लेके, तो घुशाल पंचायत वहाँ आए शायद, तो हमें परे वाली साइड जाना पड़ेगा, देखते हैं अभी क्या बनता है। तो गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं तांदी ब्रिज, तो अभी हम खाएंगे यहाँ पर रोटी, लंच करेंगे बोले तो। तो अभी यहाँ का व्यू बताता हूँ मैं हल्की हल्की सी व्यू, बाकी तो यहाँ पर फुल पावर भाई बादल छाए हुए हैं। तो ये लगी विल्लो और ये यहाँ का व्यू भाई, यहाँ मिलती हैं दो नदियाँ, तो दो चंद्र और भागा का मिलाप होता है यहाँ पर देखते आप। और भाई टॉप टॉप पे तो बर्फ ही बर्फ है, बिल्कुल फुल पावर। तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए घातक है, तो प्लीज़ करके धूम्रपान ना करे। देखो भाई अभी तक खा रहा है भाई, हो नहीं गया आपका? नहीं मैं नहीं खा रहा, आपने 6 बजे ली तो सुबह खा रहा हूँ। ऐसे करो बोला, वाह करो बोला। देखो दोस्तों मेरी कैसी वीडियो बना रहा है, खुद तो खा बैठे ना मेरे को खाने दे रहे। तो देखिए दोस्तों एक और चपाती मंगाई, अभी एक और ऑर्डर की है ना भाई, राजमा। देखो राजमा मंगा रहा है और भूख नहीं हुआ इसका मतलब। पता नहीं कितना खाता है, खा खा के गेंडा हो गया है। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है, देख लो अभी भी लेज खा रहा है, खाना खा के भी नहीं मतलब इसका हुआ गुजारा।
देखो यहाँ दो दो लेके आया है, तो मार को जाना वो ऊपर वाले गांव में, वो ऊपर जा लेंटर दिख रहा है यहाँ पर गांव एक, और यहाँ से पुल क्रॉस करके बढ़िया से वहाँ जाएंगे, तो वहाँ जाके हम रील वगैरह भी शूट करेंगे ना भाई। गाइस हम पहुंच चुके हैं एक स्वीट से क्यूट से गांव में, बोले तो क्या नाम है गुशाल, देख सकते हैं आप भाई बहुत ही अच्छा गांव है भाई, मजा आ रहा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर उतरना मटेरियल ना भाई, तो ये थोड़ा वहां पर जाएंगे हम, वहां पर थोड़ा अच्छा व्यू दिखता है, बाकी यार लेबर वाले बहुत लेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे यार, तो देखते कब जैसे उतरता है तो मिलेंगे गाड़ी अनलोड करने के बाद, अब निकलेंगे सीधा घर। बताना क्या है हमारा भाई, अल्टो या 800 कार ढूंढ रहे हैं यार, अगर आप लोगों को वहाँ तो बता देना यार, तो मैं थोड़ा सोया होता भी उठा, दरअसल यहाँ पर अनलोडिंग जो है ना हाथ से हो रही, तो इसलिए मैं थोड़ा सोया था, रेस्ट कर रहा था भी। नहीं भाई पता नहीं, ये सोया सोया कुछ नहीं था, बस यहाँ बैठ के बस बेली बकचोदी मार रहा था, तो मेरा भाई मुझे कर बोल रहा है कि मैं बकचोदी कर रहा था, बट मुझे पता नहीं कि बकचोदी होती क्या है, चलो आप लोग बताना कि बकचोदी होती है, तो अभी इसको रील्स देखो भाई ने पाद मारे, देखो कैसे खुद पाद मार के बोल रहा है, आप लोगों ने देखा व्लॉग में ना कि कौन देर तक खा रहा था, किसने ज्यादा खाया, सांड की तरह कौन ठूस रहा था, सांड की तरह कौन ठूस रहा था, और सांड की तरह ठूसने के बाद लेज कौन खा रहा था, मैं तभी आया बाहर से, लेज खाने के बाद इसने 2 लीटर की पानी की बोतल ली है, ये 2 लीटर फिर वो रहा मैंने पा देना, अब कैमरे में बता नहीं सकता मैं आपको कि स्मेल कैसी आ रही है, देखो मैं बेइज्जत स्मेल आ रहा पर बहुत गंदी स्मेल छोड़ी इसने कसम से। तो यार गाइस हम दोनों निकल चुके घूमने, और ठंड के मारे मारे ना, मतलब की क्या हुआ ठंड के मारे, ठंड के बारे क्या हुआ है भाई, मेरे को जुखाम हो गया, चलो देखो इस बंदे को, अरे ठंडा लग रहा है यार, देखो कितना बड़ा जैकेट, देखो भाभी ने बोला भी था कि जैकेट लेके जा, फिर भी ये जैकेट लेके नहीं आया, अब मर रहा भाई। परने को ओढ़ के आपको क्या मिल रहा है, हवा रुक रही है, अच्छा तो कैसा फील हो रहा है आपको इस गाँव में आके, तो भाई बहुत मजा आ रहा है यार, हर कुछ ऑसम व्यू है यहाँ का, थोड़ी ऑक्सीजन लग रहा है, सांस फूल रही है, हम दोनों है ना भाई, मम्मी आ रहे थे नहीं ना परमानेंट, हमारे को आदत नहीं है, तो थोड़ा ऑक्सीजन में थोड़ा टाई पाई पाई शाई बाई हो रही है हमारी यहाँ, फिर सोलो भाई एक बार प्लीज, बढ़ क्या एक बार वाह भाई वाह, कसम से भाई। गाइस एक सपना था मेरा कि मैं अपने ब्लॉग्स में कभी बकचोदिया ना हिलाऊं तो अच्छा रहे, पर मुझे बकचोदिया लानी पड़ती है क्योंकि बकचोदिया हो जाती है, इसलिए मेरे को नेचुरल बताना है, जो हम कर रहे हैं वो बताना है, छुपाना नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बगीचे वगैरह भी है, और ये लड़कियों की तरह ड्रामे कर रहा है, देखो इसको बड़ा पट्टा पुट्टा लगा के हीरो बना हुआ है, सही अपने आप को, ज्यादा हीरो तू है, बड़ क्या सनफड़ू जाड़ी थी जो में ऊंचे पहाड़े भाई, माँ कसम मजा आ रहा है, और भाई माँ कसम भाई, अरे तुम लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं यार भाई, मजा आ रहा कि नहीं बोलो, अभी जहाँ माँ है ना गांव से थोड़ा और भाई, यहाँ से दिखता है हमारा तांजी ब्रिज, ठीक है, तो हम तांजी ब्रिज के यहाँ से पीछे से बैक साइड से ऊपर को आए हुए, तो यहाँ पर विलेज है पड़ता है अपना, यहाँ का नाम कहाँ क्या नाम था यहाँ का, यहाँ का गांव का कुछ नाम था पता नहीं मैं भूल गया, तो यहाँ से यार व्यू बहुत ही अच्छा है, हर कुछ ही व्यू भाई मज़ा आ रहा है, तो भाई आप बताना यहाँ का व्यू आपको कैसा लगा, आज का ब्लॉग आपको
डाला यार कमेंट में।